जो भी मसला हमारे सामने जनता जनार्दन ने लाया उसको हल करने का काम कांग्रेस करेंगी, जिसमें हॉस्पिटल ने प्राइवेट हॉस्पिटल ने एडवांस में रकम मांगने की बात हो, रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है इसकी बात हो, और बिल ज़्यादा आ रहा है उसकी भी बात हो। गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन किए हैं, उसके अंदर उन्होंने कितने पैसे लेना चाहिए, तो वो पैसे से ज़्यादा पैसे लेते हैं तो उनका भी मसला हल करने का काम कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता करेगा। कंट्रोल रूम खोली है हम, यहाँ सहायता केंद्र खोला है, और उसके साथ साथ हेल्पलाइन के नंबर भी दिए हैं। आज के पेपर में सारे के सारे पेपर में हेल्पलाइन नंबर आए। मैं औरंगाबाद जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं नाना बहू पटोले जी, उन्होंने सारे के सारे जिला अध्यक्ष को बताया है कि महाराष्ट्र के अंदर जो बीमारी महामारी की चल रही है, जिसका नाम अपन सब लोग कोरोना बोलते हैं, वो कोरोना के होते हुए जो कांग्रेस की स्लोगन है कि कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे अध्यक्ष नाना पटोले जी ने ये नींव रखी कि फिलहाल जनता सहर भर हो गई है, उनको परेशानी है, और ऐसे परेशानी के टाइम उनको राहत दिलाना चाहिए, उनके मसले हल करना चाहिए। उस हिसाब से जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हमने यहाँ कोविड सहायता केंद्र खोला है, और इसका इनॉग्रेशन, इसकी शुरुआत हम नाना पटोले जी के हाथ से की है, और आज उसका काम भी चालू हो गया है। इसमें उन्होंने हमको बताया है, पेशेंट आपके पास आए या पेशेंट के रिश्तेदार आपके पास आए या उनको हेल्पलाइन पे उन्होंने उनको उनकी मदद मांगी, तो वो करने के लिए हमारे यहाँ के कार्यकर्ता और हम सब जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी वो तैयार रहना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। अभी जैसा देखिए, गए साल में कोरोना आया, उस टाइम की डिमांड अलग थी, उस टाइम ब्लड लग रहा था, उस टाइम प्लाज्मा लग रहा था, उस टाइम रेमडेसिविर नहीं लग रहा था, उस टाइम अलग। लेकिन आप क्या हो गए, आप ये पैंडेमिक जो है, इसकी जो पेशेंट जो बढ़ने की तादाद है वो बहुत बड़ी है, और जिस गए साल में हमारे औरंगाबाद में हर दिन 500 के ऊपर पेशेंट कभी गए नहीं, 500 550 के ऊपर, लेकिन ये साल हमारा जो आंकड़ा है वो 2200-2300-2500 तक गया है। अब इतनी बड़ी तादाद में हॉस्पिटल अवेलेबल होना, वेंटिलेटर मिलना, ऑक्सीजन मिलना, रेमडेसिविर दवा मिलना, ये सारी बातें मुश्किल हो गई है, और उसकी वजह से कुछ लोग उसके अंदर कहीं ना कहीं गड़बड़ होने का ज़्यादा संभावना होने के नाते अपने पार्टी के कार्यकर्ता का एक ऐसी जगह चाहिए कि लोग वो हमारे पेशेंट को और उसके रिश्तेदार को राहत दिलाने का काम करें। जैसे ये साल में आपको भी मालूम है कि अभी औरंगाबाद के अंदर 2200 पेशेंट हुए, आज भी 2500 पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसको अपन लाइव पेशेंट बोलते, वो 2000-2500 पेशेंट की ट्रीटमेंट आज हॉस्पिटल में चल रही है। 1000-1200 पेशेंट घाटी में है, 300 से लेके 500 तक पेशेंट मिनी घाटी में रहते हैं, ऐसा देखने के बाद फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में अलग हैं। ये लोगों को किसी को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है, किसी को हॉस्पिटल के अंदर बेड मिला तो वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, वेंटिलेटर मिला तो किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ऐसी सारी बातें होने की वजह से आदरणीय सोनिया गांधी जी ने नाना बहू पटेलों को ये बोला है कि आप आम आदमी के साथ जाओ, उनको क्या प्रॉब्लम है वो मसले उनके ढूंढो और वो मसले हल करो। इसलिए हमने आज के तारीख में हमको जो चीज़ लग रही है वो देने का काम हम लोगों ने शुरू किया है। और जैसे पेशेंट सुबह आए, अभी नो डाउट
कि 2200 से पेशेंट आज 1000 तक आंकड़ा अपना 988 तक आंकड़ा आज आया है, तो भी 1000 का आंकड़ा बोले तो बहुत बड़ी बात है। इसमें भी उनको क्या राहत दिला सकते वो भी देना जरूरी है। अभी लोग जो आ रहे हैं जो हमारे पास मसले लेकर के वो आ रहे हैं, वेंटिलेटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, रेमडेसिविर चाहिए, लेकिन अभी लोगों में एक अवेयरनेस आया है और लोग अब ये बोल रहे हैं कि हमको अभी वैक्सीन भी चाहिए। अब वैक्सीन लेने के लिए भी लोग अभी धीरे धीरे अपने अपने हिसाब से जो एरिया में अपना नंबर लगने वाला है, जो गवर्नमेंट ऑफिस में गवर्नमेंट के अस्पताल में अपना नंबर लगने वाला है वहाँ लोग जा रहे हैं। उसमें भी थोड़ी दिक्कत है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितने ज़्यादा तादाद में यदि ज़्यादा संख्या में हमको वैक्सीन देना चाहिए था उतना दिया नहीं है। अभी वैसा देखा जाए तो हमको आज तक अपने औरंगाबाद जिले के अंदर बड़ी मुश्किल से जो सप्लाई हुआ है वैक्सीन का वो बहुत कम है। 364,000 वैक्सीन हमको कोविशील्ड के आए थे और 222,540 वो कोवैक्सीन के आए थे। कोशील्ड के आए 364,600 और कोवैक्स के आए 22,540। तो वैक्सीन भी हमारे पास बहुत बड़ी संख्या में कम है। हमारी औरंगाबाद ज़िले की पॉपुलेशन उसमें से 18 साल के नीचे वाले लोग कम कर दिए जाए तो 18 से लेके तो 65 तक हमको वैक्सीन देना है, तो उसकी यदि पॉपुलेशन हमने निकाले तो वो कम से कम अपनी पॉपुलेशन 15 लाख के करीब करीब जाएगी पूरे जिले की। तो वो अपने को वैक्सीन देने की बड़े टास्क अपने सामने है। अभी हम दो तरह से बात काम करेंगे, एक काम है जो राहत दिलाने का काम है, जो मसले वो हल करने का काम करेंगी अलग बात है, लेकिन कोरोना ना हो इसके लिए भी काम कांग्रेस पार्टी का वर्कर ने अभी हाथ में लिया है। और मास्क की जहाँ तक के बात है वो मास्क पहन के आना चाहिए लोगों ने, उनके पास मास्क नहीं तो कुछ लोगों को हमको देने के काम पड़ा तो देंगे। दूसरी बात ये है सैनिटाइजर से हाथ धोना, साबुन से हाथ धोना, उसके बाद और ये वैक्सीन लेना, इसके लिए भी कांग्रेस पार्टी के सारे वर्कर काम कर रहे हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। इसी के लिए हमको आदरणीय सोनिया जी ने और आदरणीय नानाभाऊ पटोले जी ने डायरेक्शन दिए और उसके उनके डायरेक्शन के तहत हमारा औरंगाबाद जिला कांग्रेस कमेटी का काम चल रहा है। इसका अंदर औरंगाबाद जिला कांग्रेस कमेटी के जो प्रदेश के हमारे सचिव है रविदादा काले वो हमारे साथ में हैं। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हमारे किरण पाटिल डोनगांवकर है, महानगर पालिका के गठन नेता भाऊसाहेब जगताप है और उसके साथ जिला कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी राहुल सावंत है, फिर NSUI के कार्यकर्ता है, उनकी बॉडी है मोहित यादव और उनकी पूरी की पूरी टीम है, युवक कांग्रेस के हमारे गौरव जायसवाल है उनकी युवक कांग्रेस की टीम काम कर रही है और OBC सेल के जो हमारे अध्यक्ष है आतिश पितड़े वो भी काम कर रहे हैं, हमारे हाउसिंग फाइनेंस के जो उपाध्यक्ष है सुनील यादव साहब वो भी इसमें पूरी तरह से उन्होंने अपना काम उसके अंदर लगा के रखा है। ऐसे सारे लोग यूनिटी में टीम में काम कर रहे हैं और ये जो टीम वर्क है ये हम अभी कंटिन्यू चालू रखने वाले हैं जब तक हमारे पीछा ये महामारी छोड़ती नहीं। थैंक यू। जिस तरह से प्राइवेट दवाखानों में जो बिल की मनमानी चल रही है और डिपॉजिट मांग रहे हैं एडमिशन से पहले, हाँ उसमें आप क्या मदद करेंगे? देखिए जो भी मसला हमारे सामने जनता जनार्दन ने लाया उसको हल करने का काम कांग्रेस करेंगी, जिसमें हॉस्पिटल ने प्राइवेट हॉस्पिटल ने एडवांस में रकम मांगने की बात हो, रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है इसकी बात हो और बिल ज़्यादा आ रहा है उसकी भी बात हो, गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन किए हैं उसके अंदर उन्होंने कितने पैसे लेना चाहिए तो वो पैसे से ज़्यादा पैसे लेते हैं तो उनका भी मसला हल करने का काम कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता करेंगे। आपसे संपर्क के लिए आम जनता के लिए आप क्या हेल्पलाइन नंबर या बता सकते हैं?
हमारे आपके मालूमात के लिए मैं बताऊंगा, हमारी सारी कांग्रेस कमेटी ने यहाँ कंट्रोल रूम खोली है, हम यहाँ सहायता केंद्र खोला है और उसके साथ साथ हेल्पलाइन के नंबर भी दिए हैं। आज के पेपर में सारे के सारे पेपर में हेल्पलाइन नंबर आए, मैं आपसे भी बात करूंगा कि हमारे हेल्पलाइन नंबर क्या है, ये मैं आपसे आपके साथ में आपको भी शेयर करूंगा ताकि आपको ये पता लगे कि हमारे हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो आपके ज़रिए वो जनता जनार्दन के पास जाए ताकि उनको पता लगे कि अपने को वो नंबर कौन से उनको दिए हैं। मैं आपको वो नंबर बताना चाहता हूँ, 7276129407 और दूसरा नंबर है 7276229407। ऐसे दो नंबर हेल्पलाइन के हमने लोगों के लिए दे के रखे हैं और उनके जरिए हमारे पास आए। अभी अपने को रश करना नहीं है, एक जगह गर्दी करना नहीं है, उनको वहाँ से यहाँ तक आने की ज़रूरत भी नहीं है, हम उनका मसला फ़ोन पे भी हल कर सकते हैं, इसलिए हेल्पलाइन के नंबर आपके पास दिए हैं। थैंक यू।